पेन प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कई दिन पहले कोलकाता एंड सिलीगुड़ी के बीच एक हाईवे प्रोजेक्ट बनने वाली थी, लेकिन कई सारे अननोन रीजन के चलते ये प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया। कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी ने इस हाईवे प्रोजेक्ट के लिए फंड अलॉट करने के बाद ये प्रोजेक्ट फिर से लाइमलाइट पर आ चुका है। आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट लाइक सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, मणिपुर सारे स्टेट से बाकी देश के साथ रोड कनेक्टिविटी स्मूथ होगी और ट्रांसपोर्ट में गति आएगी। सिलीगुड़ी के पास चिकन एक जैसे इंपॉर्टेंट एरिया, उस कॉरिडोर में तेजी आएगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ही काफी सारे देश की इंटरनेशनल बॉर्डर मौजूद है। जो आगे डिटेल्स में आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको काफी कुछ जानने के लिए है। दोस्तों, कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ट्रेडिंग, कॉमर्स और टूरिज्म सेक्टर जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट के साथ रोड कनेक्टिविटी इस हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश के साथ रोड कनेक्टिविटी इंडिया इस हाईवे के ऊपर डिपेंडेंट है। चिकन नेक कही जाने वाली जो कि 22 किलोमीटर का चौड़ा एरिया है, ये हाईवे चिकन नेक होकर गुजरती है। तो ये हाईवे कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। इसलिए 1995 से ये हाईवे को डेवलप करने के लिए बार बार प्लानिंग होता आ रहा है। वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सोमनाथ चटर्जी पहली बार 1995 में 600 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन करने का अनाउंस किया था। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए लैंड एक्वायर करना जरूरी था, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था उस समय के लिए, इसलिए हाईवे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। 2002 में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंजीनियरिंग फर्म हेल्प्रो ने कोलकाता सिलीगुड़ी हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया, जहां पे हाईवे को बनाने की सोल्यूशन बताया गया, लेकिन इस बार भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर 2008 में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया और अंडर द BOT मॉडल हाईवे को बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर की जिम्मेदारी ली। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब भी इस हाईवे को बिल्ड करने की बात हो रही है, तब कुछ रीजंस के चलते प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाता। अब 2021 में फिर से उम्मीद जगी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने हाईवे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अलॉट करने के बाद। वेस्ट बंगाल में कोलकाता से सिलीगुड़ी तक 675 किलोमीटर का लॉन्ग 4 लेन का एक स्मूथ एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंडिंग अलॉट किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के साथ कई सारे नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे बिहार, सिक्किम, आसाम, नेपाल, भूटान जैसे देश और प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। वेस्ट बंगाल के लिए यह हाईवे प्रोजेक्ट से इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म में बूस्ट होगी और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव ओवरऑल बंगाल की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अभी कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जो रोड बना हुआ है वो काफी खराब है, स्ट्रीट कंडीशन भी काफी खराब है, इसके अलावा ट्रैफिक जाम तो है ही। अभी कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जाने के लिए 18 से 20 घंटे का समय लग जाता है, मतलब करीब करीब एक दिन का समय लगता है, लेकिन न्यू एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी सिर्फ 7 घंटे के अंदर ही तय कर लिया जाएगा। न्यू एक्सप्रेसवे की जर्नी स्मूथ होगी और ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन एरिया में फ्लाईओवर एंड अंडरपासवे को बिल्ड किया जाएगा। एक्सप्रेसवे को मेंटेन करने के साथ साथ दो साइड में ग्रीनरी की जाएगी। सब मिला के आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसकी कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे को लेकर आप अपना थॉट्स कमेंट पर जरूर शेयर करें। एक्सप्रेसवे बनने से ट्रेडिंग, कॉमर्स, टूरिज्म के साथ साथ इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत होगी। एज आई सेड, चिकन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे देश के लिए। इंडिया के बाकी स्टेट के लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी, लोग आसानी से सिलीगुड़ी और कोलकाता तक ट्रैवल कर सकेंगे। सिलीगुड़ी और कोलकाता बंगाल का दो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। ये दो शहर नॉर्थ ईस्ट की गेटवे की तरह काम करता है। दोनों शहर के बीच ट्रैवल टाइम कम होने पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ सभी स्टेट के लोगों को इससे फायदा होगा। उम्मीद किया जा रहा है लैंड एक्वायर ठीक तरीके से होने पर एक्सप्रेसवे बनाने का काम बहुत ही जल्द शुरू कर लिया जाएगा। आगे जो भी अपडेट्स होती है वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए आपसे मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।